गुड इवनिंग। आपका प्यारा सा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा को सक्सेस। माई सेल्फ अमित, मैं आपके लिए लाया हूँ इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रसार, जिसका अध्ययन इस चैनल के माध्यम से 20 प्रश्नों का अध्ययन 20 मिनटों में टाइमर के साथ करेंगे। और आज 18 मई और आज का विषय इतिहास है। और आज में वैदिक संस्कृति जैसे टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे, जिसका जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स पे लिख के देना है। तो चलिए, आपकी अधिक कीमती वक्त ना लेकर अपनी सेशन की शुरुआत दो लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल कीज के साथ प्रारंभ करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कीज आपके स्क्रीन पे ये रहा। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए, इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल की के साथ आप साथ अपनी सेशन की शुरुआत का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। फिर मैं कैमरा को सही कर लूं। चलिए, थैंक यू। आपके स्क्रीन पे इस सेशन का पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन से ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन से बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व तक। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठा या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, श्रेष्ठ या कुली, जिसका आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, श्रेष्ठ या कुली। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हाँ, प्रश्न संख्या 3। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन से वे संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन सी बी वे घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ऑप्शन डी वह मुक्त नगरों में निवास करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वह मुक्त नगरों में निवास करते थे। आर्य कहाँ निवास करते थे? नगरों में निवास करते थे। चलिए
इस प्रश्न के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न संख्या 4। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक कालों को लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तंबाकू। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न संख्या 5। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी शर्मन, ऑप्शन सी अर्थवन, ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शर्मन। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न संख्या 6। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी शूल सूत्र, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषेद। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शुल्ब सूत्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न संख्या 7। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अर्थवेद, ऑप्शन डी सामवेद। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऋग्वेद। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न संख्या 8। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषेद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषेद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए मुंडक उपनिषेद, ऑप्शन बी कट उपनिषेद, ऑप्शन सी इस उपनिषेद, ऑप्शन डी बृहद आरण्यक उपनिषेद। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुंडक उपनिषेद। ठीक है, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न संख्या 9। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी
व्यवसाय। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पशु पालन। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सामवेद। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रथम विधि निर्माता कौन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मनु। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्री भगवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, श्री भगवत गीता। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 13। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऑप्शन ए गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गोधन। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 14। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऑप्शन से ए 7 में, ऑप्शन बी 8 में, ऑप्शन सी 9 में, ऑप्शन डी 10 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए मिलता है आपको 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 10वां। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 15। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 18।
चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 16, पुराणों की संख्या कितनी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर 18। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 18 होना चाहिए। चलिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर इंद्र। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 18, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 19, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? ऑप्शन ए समातट में, ऑप्शन बी प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी पंचाल में। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर पंजाब। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 20, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम का समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी इज राइट आंसर 9वां मंडल। तो चलिए दोस्तों, आज का सीजन तो खत्म। हम लोग 20 क्वेश्चंस इतिहास के वैदिक संस्कृति के पार्ट से हम लोग किए, इसका अध्ययन किए। तो चलिए आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, आज का सवाल आपका जवाब के तरफ से ये रहा आपका स्क्रीन पे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो प्रश्न ये है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी
परोनी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सवाल आपका जवाब के लिए इंतज़ार करेगा आपका कमेंट बॉक्स। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे प्यारे दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अब फिर मिलते हैं इसी समय अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।